हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 310। फ्रेंड्स, मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो डाली थी कि यूट्यूब पे अपनी पहली वीडियो कैसे अपलोड करें। उसमें मैंने आपको सिखाया था कि आप यूट्यूब पर किसी भी वीडियो को किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो हर दिन चेंज होता रहता है, उसमें नए नए अपडेट्स होते रहते हैं। तो अब उसमें जो वीडियो को अपलोड करने का तरीका है उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस ऐड हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि 2021 में आप यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड करते हैं उसको अपलोड करने का सही तरीका क्या है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले, सबसे पहले आप उसे देख सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। इसमें सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है www.youtube.com और आपको अपने चैनल के अंदर लॉगिन कर लेना है। मैंने लॉगिन किया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर टॉप पे यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, क्रिएट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं अपलोड वीडियो, गो लाइव और क्रिएट पोस्ट, ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं। हम इसमें अपलोड वीडियो पर क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमें YouTube क्रिएटर स्टूडियो में डायरेक्ट कर देगा और यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट फाइल करेंगे। सिलेक्ट फाइल हम जैसे ही करेंगे तो जहाँ पे भी हमारी फ़ाइल है उस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, जो भी हमें वीडियो बना के डालनी है। ठीक है, मैंने एक डमी वीडियो बना रखी है आपको सिखाने के लिए, तो मैंने वो इंपोर्ट कर ली है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर आता है टाइटल, तो टाइटल में यहाँ पे टाइटल आता है। तो टाइटल के अंदर आपको क्या लिखना है, एक अच्छा सा टाइटल लिखना है अपनी वीडियो के बारे में, जैसे हाउ टू, मैंने इसमें हल्का सा आपको बताया है कि हाउ टू यूज़ YT स्टूडियो, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा हाउ टू यूज़ YT स्टूडियो, ठीक है, इन 2021। इसी को हिंदी में भी लिख देना है आपको, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, YT स्टूडियो कैसे यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, ये मेरा इसमें जो इनबिल्ट है वो आ गया है, मतलब मैंने अपलोड डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा है उस वजह से आ गया ये यहाँ पे, ठीक है। आपको भी यहाँ पे ये कर देना है, अपना अच्छे से बना देना है डिस्क्रिप्शन वीडियो के बारे में। उसके बाद सबसे पहले आपको इसमें से ये कॉपी कर लेना है और इसी को यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको अपनी वीडियो के बारे में लिखना है अच्छे से, जो भी जिस बारे में भी आपकी वीडियो है वो बताना है, और नीचे आपको अपने लिंक दे देने हैं और वीडियोस के। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और इसमें हमें अब टैग्स लगाने हैं। तो टैग्स कैसे लगाने हैं इसमें मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे मैं आपको यहीं पर लगा के दिखा देता हूँ, जैसे यहीं पर आपको नीचे लगाने हैं ये सबसे, ठीक है। चलो मैं आपको नीचे लगा के दिखाता हूँ, इसे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा हम, ठीक है, ये नीचे आ जाएंगे बिल्कुल। उसके बाद यहाँ मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हैशटैग में आपको दो टैग तो हमेशा रखने हैं, एक आपके चैनल का नाम और एक स्पेस देके दूसरा हैशटैग हिंदी, ये दो टैग तो आपको हमेशा लगाने हैं। उसके बाद आपके आपके वीडियो से रिलेटेड टैग यहाँ पर लगाने हैं कि हाउ टू यूज़ YT स्टूडियो, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी वीडियो के अंदर टैग्स लगा लेने हैं अच्छे अच्छे, 6-7 टैग लगा लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे थंबनेल की बारी आती है, तो यहाँ पे आपने जो इस वीडियो के लिए थंबनेल बना रखा है वो यहाँ से अपलोड, इस पर क्लिक करेंगे और ये आपको आपकी गैलरी के अंदर ले जाएगा और यहाँ से आप अपना वो थंबनेल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला है प्लेलिस्ट, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं प्लेलिस्ट आपकी वीडियो जिस कैटेगरी की है, अगर आपने प्लेलिस्ट बना रखी है तो उनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑडियंस है यहाँ पे, यस इट्स मेड फॉर किड्स, यहाँ नो है, नो वाले पे हमें क्लिक करना होता है। उसके बाद आपको ये पेड प्रमोशन दिख रहा होगा, इसमें ये हम जब लगाते हैं, जब हमें कोई पेड प्रमोशन करना हो तब इस पर टिक करेंगे कि हम अपनी वीडियो में किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी चीज़ का पेड प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अलो ऑटोमेटिक चैप्टर्स, ये ऐड हुआ है इसमें नया, तो इसमें ये ऑन रखना है कि आपकी जो भी वीडियो है उसमें अगर चैप्टर हैं तो वो ऑटोमेटिक बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको टैग्स लगाने हैं,
तो यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे टैग्स लगाने हैं। टैग्स में भी आपको एक अपने चैनल का नाम, ठीक है, और दूसरा हिंदी ज़रूर लिखना है। उसके बाद आपको अपनी वीडियो से रिलेटेड अच्छे अच्छे टैग्स इसमें लगाने हैं। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, जैसे ये दे भी दिए हैं इसने, ठीक है, नीचे आ जाएंगे। लैंग्वेज, लैंग्वेज हमें सेलेक्ट करनी है हिंदी। आपकी वीडियो जिस लैंग्वेज में है आपको वो सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से मैं यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग डेट है, जिस दिन आपने वीडियो रिकॉर्ड की है वो अगर आप दिखाना चाहते हैं तो वो यहाँ से दिखा सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, इसमें लाइसेंस है, ये क्रिएटिव कॉमन्स है, एलो एम्बेडिंग, ये ऑन रहने देना है सबको एज इट इज़, ठीक है। ये पब्लिश टू सब्सक्रिप्शन फीड, नोटिफाई सब्सक्राइबर, ये ऑन रहने देना है। अलाउ पीपल टू सैम्पल दिस कॉन्टेंट, मतलब अगर दूसरे बंदे आपके इस कॉन्टेंट को यूज़ करें तो वो उसके लिए आप अलाउ करते हैं, यानी वो यहाँ से कर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद ये कैटेगरी हो गई आपके चैनल की, जो भी आपके चैनल है जिससे भी रिलेटेड। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है मोनेटाइजेशन का। मोनेटाइजेशन में यहाँ पे सिलेक्ट वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से ऑन कर देना है अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ से अगर हमारी वीडियो 8 मिनट से ज़्यादा की है तो हमें यहाँ पे ये मिड डे मिड रोल जो है ये हमारा हाईलाइट हो जाएगा और हम ड्यूरिंग वीडियो भी ऐड लगा पाएंगे। पर ये एक छोटी सी वीडियो है इसलिए इसमें ये शो नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिक ऐड लगा देगा। उसके बाद ये ऐड सुटेबिलिटी, ये एक नया ऑप्शन इसमें ऐड हुआ है जिसमें यूट्यूब ने ही कैटेगराइज कर दिया है कि अगर आपकी वीडियो में इनसे रिलेटेड कुछ है तो आप इन्हें सेलेक्ट करके अपनी रेटिंग सबमिट कर सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले है इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज, मतलब आपकी अगर कोई इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे इनमें से, और ये इन्होंने मॉडिफाई किया हुआ है, इसको पढ़ के आप जौन सी आपको वीडियो जिससे रिलेटेड है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 चीज़ें दे रखी हैं, एडल्ट कंटेंट है, वॉयलेंस है, शॉकिंग कंटेंट है, हार्मफुल डेंजरस एक्ट है, ये सारे आप देख सकते हैं। और इन्हें पढ़ के अगर आपकी वीडियो इनसे रिलेटेड है तो आप इसे ओके करके और सबमिट कर सकते हैं। पर हमारी वीडियो अगर आप यूट्यूब से रिलेटेड आपकी जेनुअन वीडियो है, ठीक है, तो यहाँ से आप नन ऑफ दम करेंगे, नन ऑफ अबव, और उसके बाद सबमिट रेटिंग पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, ये सबमिट हो गई है। उसके बाद वीडियो एलिमेंट्स हैं, इसमें आप सबटाइटल ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप एंड स्क्रीन लगा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप एंड कार्ड्स कर सकते हैं। एंड स्क्रीन लगाना अगर आपको नहीं आता तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा उसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेक्स है, ये चेक्स कर दिया है, एडिटेबिलिटी भी ओके है, कॉपीराइट भी नहीं दिखा रहा कुछ भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी में आप देख सकते हैं यहाँ पे अनलिस्टेड प्राइवेट मेंबर्स ओनली पब्लिक, तो हमें पब्लिक पे क्लिक करके और अपनी वीडियो को पब्लिश कर देना है। इतना ही है यहाँ पे, ये सारे फंक्शंस हैं इसमें, अच्छे से समझ आ गए होंगे आपको, उम्मीद करता हूँ। और यहाँ पे अगर आपको मल्टीपल एड्स लगानी नहीं आती तो इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इजीली उसे सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप पब्लिश करेंगे तो ये आपकी वीडियो पब्लिश हो जाएगी और इसमें मोनेटाइजेशन भी ऑन हो जाएगा क्योंकि हमने उसे यहाँ से ऑन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने इसमें डिटेल में बता दिया है कि आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है अब 2021 में। तो इस वीडियो से रिलेटेड फिर भी आपको कोई क्वेरी हो, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।